हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मुस्तफ़ा एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हुई, गुड आफ्टरनून हो गया है, डेढ़ बजने को आ गए, इतना लेट आज नाश्ता हुआ है। आज संडे तो ऑब्वियसली भाई एकदम आराम से उठना था और आराम से उठा मैं, एक बजे कुछ उठा, नाश्ता वाश्ता करने था, अभी पूरा डेढ़ बज गया है और अभी मैं जा रहा हूँ लल्लू भाई में पहुँच गया हूँ। तबरेज साथ में है, गाड़ी चला रहा है, एक काम से आए हम लोग, तो काम वाम निपटाएंगे, फिर घर पे जाके नहा धो के चेंज करके देखेंगे आज किधर पे बाहर घूमने जाएंगे, अगर तबरेज एग्री हुआ तो। तो भाई बज रहे हैं अब दोपहर के 3:30 और आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बाहर इन द सेंस कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। आगे के जितने भी दिन हैं मेरे, सब दिन के मेरे पास प्लान्स हैं कि मुझे कौन से दिन किधर जाना है, और आज फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ। आज इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि तबरेज़ भी बिज़ी है, क्योंकि तबरेज़ जिधर पर रहता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो तबरेज़ मंडाला में रहता है, वो वहाँ पर उन लोग छट्टी कर रहे हैं ख्वाजा जी की, तो आज उसने मुझे वहाँ पर दावत दिया है शाम की, तो आज वहाँ पर भी जाना है। और खाना वाना खा लिया मैंने, खाना बताया नहीं, आज मेरे घर पे पुलाव बना है, बताने वाला था लेकिन मुझे भूख इतनी लगी थी और सॉरी इस टाइम ऐसा किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। कुछ भी अगर बना रहेगा, मैं कुछ खा रहा रहूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पुलाव वगैरह खा लिया, फिर डेजर्ट में गुलाब जामुन वाला हम लोग इधर आता है वो भी नहीं बताया, आई एम सॉरी। मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट टाइम से कि दोपहर के टाइम पे खाना खाने के बाद हमेशा एक गुलाब जामुन वाला आता है एक डब्बे में, बहुत सारे उसके पास गुलाब जामुन रहते हैं, वो बहुत पहले से आ रहा है, मतलब जब से मैं होश भी नहीं संभाला रहा हूँ तब से बेच रहा है वो, अभी तक का उसका एक ही डब्बा है और वो उसी में बस अपना धंधा चलाता है रोज़, मतलब गुलाब जामुन बना के निकलता है गली गली में बेचता है। तो आज भी आया था वो, आज मैंने भी लिया, और आज जैसा बात किया था पीछे की जो भी मशीन वगैरह सेटिंग की वो भी करना है, तो काम तो बहुत है आज, लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ कि व्लॉग में बताऊँ कैसे, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या बता रहे, लेकिन अब है करने को यही, तो मैं तो यही बताऊँगा ना भाई। मेरे पास एक आईबॉल का होम थिएटर है जो कि काम तो करता है, लेकिन अभी इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, जितने भी स्पीकर्स हैं ना, स्पीकर की जो वायर होती है ना लास्ट वाली, आपको दिख रहा होगा ये, इसमें जो एक पिन होता है, बोलते हैं ऐसा पिन होता है, ये वाला जो एक पिन होता है ना, इसमें का ये पिन काम नहीं कर रहा है, पांचों के पांचों स्पीकर का, इसके ऊपर ये बेस है मेन, और इसके ऊपर पांच ऐसे स्पीकर हैं, ऐसा बसता है ना ये, क्या आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब था जैसा हम होम थिएटर में, रियली बहुत अच्छी इसकी आवाज़ है, तो इसको भी करवाना है, मैं 2-3 दिन में इसका भी पिन वगैरह लगा दूंगा, फ़िलहाल अभी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी मैं एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर आता है उससे ही काम चला रहा हूँ, अच्छा है वो भी स्पीकर भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से आवाज़ आता है इसमें, एक बार आपको इसका भी साउंड सुनाऊँगा, इसको बनाना है, बनाएंगे अपन जल्द, सब स्पीकर का है ना पीछे की पिन ख़राब हो गई है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इधर पर लगाने के, बहुत मस्त आईबॉल का ये, मैंने सोचा कि बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छा होम थिएटर नहीं देखा, मेरे अभी तक का नहीं देखा, मतलब ये तो मेरे लिए बेस्ट है अभी तक का। पीछे जो आप लोगों को छोटा सा टाइगर दिख रहा है वो हमारे गली का टाइगर है, उसका नाम सेनू कुछ है पता नहीं, बहुत अच्छा बिल्ला है, मतलब ज़्यादा मारपीट में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन उसके दाँत और पंजे अगर किसी को लग गए ना तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि वो लाड भी ऐसा करता है ना कि पूरा फाड़ देता है, इसके लिए उसको हाथ ही नहीं लगाता कोई, अभी बहुत टाइम से बैठा है इधर पे, सोया था मैं, ऊपर आया तो उठ गया, मेरे डैडी ने ये बनाया, कोई भी परिंदा आएगा तो यहाँ पे पानी वानी पी के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे मेरे डैडी कि चिड़िया लोग आ रहे चिल्ला चिल्ला के जा रहे, तो लगा दिए भाई ये छोटा वाला नहीं है।